उसके बाद बस शुरू करते हैं सीधे, है ना। हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे। यस सर। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम लोग बाकी सब कुछ पढ़ चुके हैं, शायद तक हमारा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी बाकी है ना। यस सर। ओके, तो न्यूक्लियर एनर्जी, आप लोगों को आइडिया तो होगा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, सुना तो होगा जरूर उसका नाम, कहाँ यस सर है सर, पढ़े थे सुना है। पिछला क्लास में, हाँ, पिछला क्लास में पढ़े थे सर थोड़ा सा मैंने तो नहीं पढ़ाया था। सर। इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इन बॉम्ब्स, हाँ वो ठीक है एटॉमिक सर बॉम्ब्स, कुछ उसमें हम आइडिया है कि लोग क्या होता है उसके फ्यूजन अंदर? कहते हैं और फ्यूजन होता है। हाँ सर, फ्यूजन बिटवीन अच्छा ठीक है, ठीक। अब एक काम करो। हीलियम और अच्छा हाइड्रोजन बेटा, शांति बॉम्ब्स शांति शांति शांति, है ना। ब्राइटनेस लगता है अभी भी ज्यादा है ना। सर, फ्यूजन होता है सर, फ्यूजन और फ्यूजन एक सेकंड बेटा, मैं ब्राइटनेस थोड़ा घटा दूं पहले। सर। और उसका अमाउंट ज्यादातर राजस्थान और उस तरफ इलाके में, कर्नाटका वो तो सर। ब्राइटनेस थोड़ा और घटेगा, ठीक है। तो आपका हल्का फुल्का आइडिया आप लोगों को फिशन के बारे में है, सॉरी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में है। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी हम क्यों वर्क करती है इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में जो है वो तो मेरे ख्याल से अरविंद सर ने भी पूरा पढ़ाया होगा। मैं वो भी बताऊंगा जो बुक में है, बट मैं इस टॉपिक में थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में बाकी सब कुछ एकदम ही ऐसा था कि ये एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है। पहला टॉपिक है जिसमें थोड़ा पढ़ने लायक है, ठीक है। क्या है बेटा, आप लोगों ने, आप लोग 1 AMU जानते हो? 1 AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या होता मालूम है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सर, एटॉमिक मास ऑफ सर कार्बन 12। कार्बन 12 का एटॉमिक मास, ओके ठीक है। मास ऑफ कार्बन 12 बाय 12 होता है बेटा, ठीक है। 1 AMU इज डिफाइंड एज मास ऑफ कार्बन 12 बाय 12, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर, नो सर। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं यहाँ इसके बारे में और चर्चा करूँ, बाद में वापस आऊँगा यहाँ पर इस डेफिनेशन पे दोबारा आऊंगा, पहले मुझे बताओ एक एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर मेनली दो चीजें होती हैं, सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। मेनली दो चीजें होती हैं, ठीक है, यही होता है ना। अब देखो, एटम जो है इजीली इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर सकता है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी होता है। तो एटम किस चीज का है, किस एलिमेंट का है, ये कौन डिटरमाइन करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन्स या उसका न्यूक्लियस? सर एक बार फिर से क्वेश्चन दीजिए। समझो बात को, सर न्यूक्लियस। एक एटम जो है उसका न्यूक्लियस सेम रहता है, पर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सचेंज होते रहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते रहते हैं, राइट। यस सर। तो मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते रहे, मतलब कभी उस एटम के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, कभी 17 हो जाते हैं, कभी 15 हो जाते हैं, तो क्या मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख के बता सकता हूँ कि कौन सा एटम है? नहीं नो पता। सर। तो एटम की असली पहचान क्या है? उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है? दो चीजें होती है ना न्यूक्लियस में मेनली, क्या क्या होता है? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना। न्यूट्रॉन्स क्या होता है? इसके यस पास चार्ज होता है जीरो, है ना। यस सर, चार्ज होता है इसका जीरो। जीरो। इसका मास पता है किसी को? सर प्रोटॉन सर 1 यूनिट। नहीं होता है सर, प्रोटॉन के लगभग होता है।
मास ऑफ न्यूट्रॉन मैं एग्जैक्ट लिखना चाहूंगा, एग्जैक्ट मतलब थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाना चाहूंगा, तो मैं बताता हूँ आपको, मेरे को खुद याद नहीं रखना है, मैं आपको खुद दिखा दूं, मैंने खुद भी इंटरनेट पर सर्च किया है इसका वो मास देखने के लिए, ठीक है। तो मास देखकर जो आ रहा है 1.675 इंटू 10^-27 में ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1.675 इंटू 10^-27 किलोग्राम, ये न्यूट्रॉन का मास होता है, ठीक है, एक न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है सर? सेम प्लस ई होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस 1.6 इनटू 10^-19 कूलम होता है ना, पता है कि नहीं पता? यस सर। इसके पास इसका मास कितना होता है मालूम है सर? 1.6 इनटू 10^-27। थोड़ा और मैं आगे जाना चाहूंगा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6726 इंटू 10^-27 किलोग्राम, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? पढ़ने में आ रहा है ना, छोटा तो नहीं है? नहीं सर, दिख रहा सर, पर रिकॉर्डिंग का वो जो साइन आता है ना वो आ जाए सर, थोड़ा जूम कर दीजिए, ठीक है अब? यस सर, अब थोड़ा सा कम जूम करना पड़ेगा, मैंने बड़ा ज्यादा जगह ले ली, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? यहां तक समझ में आया? ओके, अब मैं अगर 1 AMU जो मैंने यहां फॉर्मूला देखा था, यहां से कार्बन 12 का मास, सॉरी 1 AMU की वैल्यू निकालूं, तो 1 AMU की वैल्यू, सॉरी 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो बताया, तो मास ऑफ 1 AMU बोलना चाहिए ना, 1 AMU, अगर 1 AMU की वैल्यू आप सर्च करोगे कभी भी, तो आपको मिलेगा 1.6605 होगा इंटू 10^-27 kg, है ना, ये होता है ना 1 AMU, होता है, मतलब मैंने आपको सामने आपको सर्च करके दिखा भी सकता हूँ, बट इतना ही होता है, ठीक है। चलो अब अगर मैं 1 AMU कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो 1 AMU होना कितना चाहिए था? मास ऑफ कार्बन 12/12, है ना, तो मास ऑफ कार्बन 12 कितना होता है? मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 में होता क्या क्या है बताएगा सर? 6 प्रोटॉन्स होते हैं, प्लस 6 न्यूट्रॉन होते हैं, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका पूरे का मास अपॉन 12, है ना, हाँ है ना? यस सर, यही होना चाहिए सर। मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय 2 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2, होगा कि नहीं होगा? यस सर, हाँ है ना? यस सर। तो मुझे बताओ ये जो आंसर आएगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का एवरेज में कुछ जोड़ोगे तब आएगा आंसर, की उससे ज्यादा आएगा? यस सर, दोनों का एवरेज प्लस कुछ। अब देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.675 और मास ऑफ प्रोटॉन है 1.6726, इन दोनों को जोड़ोगे तो अप्रोक्सीमेटली इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.674 आना चाहिए, है ना? यस सर। लेकिन 1 AMU है कितना? 1.66, उससे छोटा आ गया, हाँ आया ना? यस सर। गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? ज्यादा आता तो हम बोलते अच्छा कुछ और भी होगा, शायद न्यूक्लियस में कुछ और भी रखा हुआ है, कम आ गया, ये कैसे हुआ भाई, सब गड़बड़ हो गया, राइट? क्या हुआ, सोच में पड़ गए? नहीं सर, ठीक है, बताइए आप। मैंने जो भी सोच में नहीं पड़ गए तो क्या हुआ, मतलब अरे फालतू बात कर रहा है ऐसा ऐसा लग रहा है? नहीं सर। देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने बेसिकली एक डब्बा लिया जिसका नाम है लेट्स से कार्बन 12। इस डब्बे में, डब्बा पहले खाली था, इस डब्बे में हमने डाले 6 न्यूट्रॉन, इस डब्बे में हमने डाले
छः प्रोटॉन और डब्बे में हम डाले छः इलेक्ट्रॉन। तो हमने बोला इसका मास इन तीनों के सम के बराबर होना चाहिए, बट हमने देखा इसका जो मास आया, मास ऑफ कार्बन 12, दैट कार्बन 12 का मास इज लेस देन 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमको देख के बोला ये कहाँ से आया, ये मेरे को बहुत बड़ा झमेला लग रहा है कि भैया कार्बन 12 का मास कम कैसे हो गया 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन से कम आ रहा है ना? सर इलेक्ट्रॉन का मास तो ऐड नहीं करते ना बेटा, ऐड बात समझो, वो एप्रोक्सीमेशन में हम लोग हटाते हैं, करना तो चाहिए ना। हां सर। सर पर इलेक्ट्रॉन का मास तो नेगलिजिबल होता है बेटा, नेगलिजिबल है चाहे नहीं है पर कैलकुलेशन में आपको अंत में नहीं मिलेगा, मतलब डेसिमल में 4 पॉइंट्स के बाद मिलेगा, बट होगा तो यस सर। तो यहां पर मैं ये बोल रहा हूँ, चलो इसको छोड़ भी दो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास से भी कम हो गया ना आपका कार्बन 12 का मास, ये क्या लफड़ा है, बहुत बड़ा झमेला आ गया कि नहीं आ गया? कंफ्यूजन होना चाहिए यहाँ पे कि ये क्या चल रहा है यार, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, यहाँ कुछ और ही हो रहा है कि भैया मतलब मास गायब हो जा रहा है ना, मास गायब हो गया, गायब हुआ कि नहीं हुआ मास? हमने तो पढ़ा था मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यहाँ तो मास गायब हो गया, मास कहाँ गया? सुनो इसको एक बार सब लोग कॉपी कर लो फिर मैं बताता हूँ मास कहाँ गया। कर लिया कॉपी? यस सर। ओके यस सर, कॉपी हो गया। अगर नहीं किया है तो अपना स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ता है, ठीक है? हेलो सर। तो क्या बेटा सर समझाने सर, पीछे वाला पेज में वाला फिर से समझाने सर, नहीं समझ में आ रहा। समझ में थोड़ा ना आया, अभी तो मैंने बस बोला है, समझाया कहाँ है, अभी तो मैंने बस इतना बताया है कि हमारे न्यूट्रॉन का मास इतना था, प्रोटॉन का मास इतना था और एमयू हमारा इतना था। जो एमयू है वो न्यूट्रॉन के मास से भी कम है, प्रोटॉन के मास से भी कम है, ऐसा कैसे हो रहा है? अगर एमयू की डेफिनेशन है मास ऑफ कार्बन 12/12, दैट मीन्स ये आपके मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के एवरेज से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, पर उनके एवरेज से कम है। तो क्या प्रॉब्लम चल रही है, मास कहाँ चला गया, ये मेरा क्वेश्चन। यहीं तक मैंने बात करी, इसके अलावा मैंने कोई बात नहीं करी, ठीक है? ठीक है ओके। तो इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखे रहो, ठीक है, और आगे की चर्चा सुनो। या उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक पे आ जाता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। ऑफ एन एटम, एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट्स से एटम का सिंबल एक्स है, सिंबल एक्स है, सिंबल कैन बी कार्बन के लिए सी हो गया, हाइड्रोजन के लिए एच हो गया, एक्स किसी का सिंबल नहीं होता, इसलिए एग्जांपल के लिए मैं एक्स ले रहा हूँ। आपके एटम का सिंबल एक्स है, ठीक है, तो इसमें हम एक नंबर यहाँ ऊपर लिखते हैं, एक नंबर यहाँ नीचे लिखते हैं। ये मैंने लेट्स से यहाँ लिखा नंबर ए, यहाँ लिखा नंबर जेड, ठीक है। तो आपका ए क्या होता है, ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है किसी को मालूम है? मास। मास को रिप्रेजेंट नहीं करता बेटा, मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है सर, वो एटॉमिक नंबर सर। नहीं, मास नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये हमेशा एक इंटीजर रहेगा, इंटीजर की जगह बोलना चाहिए होल नंबर रहेगा,
ये कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। एमयू में अगर आप एटम का मास लिख दोगे तो वो फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है। तो ए क्या है, मास नंबर है, इट इज नॉट मास, इट इज मास नंबर, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और जेड क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं बिल्कुल गलत बोला आपने बेटा, एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हम लोग कभी एटम को रिप्रेजेंट नहीं करते, आइडेंटिफाई नहीं करते, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं एटम के बाय ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। आपका एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से हम कभी एटम को आइडेंटिफाई नहीं करते, हमेशा ही उसके न्यूक्लियस आइडेंटिफाई करते हैं, हमेशा प्रोटोन और न्यूट्रॉन से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक एटम है एक्स ए जेड, जिसमें ए है आपका मास नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जेड है एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटोन, ठीक है। अब अगर मेरे पास दो एटम्स हैं जिसमें मैं पहला वाला दे रहा हूं सेम जेड और डिफरेंट ए, तो इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे दो एटम जिनका जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट, उसको बोलते हैं आइसो टोप्स, क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। अगर उनका सेम ए हो और डिफरेंट जेड हो तो क्या बोलते हैं सर, आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार। अगर सेम सेम A माइनस जेड है कॉमा डिफरेंट जेड और A है तो क्या बोलेंगे सर, आइसोटोन, आइसोटोन्स। बेसिकली A माइनस जेड क्या हो गया, A माइनस जेड इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको न्यूट्रॉन नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे तीन नाम हुए, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये बहुत जरूरी है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन कई बार आप ऐसे लिखने के बजाय, जो आपने मैंने लिखा होता है एक्स ए जेड, इसको कई बार आप देखोगे ऐसे लिखा होता है एक्स ए जेड, कई बार ऐसा भी लिखा होगा एक्स ए जेड, कई बार ऐसा भी लिखा होगा एक्स ए जेड, ठीक है। बेसिकली ध्यान रखना है ऊपर ए आएगा नीचे जेड आएगा, ये वाला सबसे स्टैंडर्ड है। हम अगर अपने मन से लिखेंगे तो हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा मन करेगा तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक। लेकिन बुक में अगर आपको कभी ऐसा दिया हुआ या ऐसा दिया हो तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ऊपर वाला नंबर क्या है मास नंबर, नीचे वाला नंबर क्या है एटॉमिक, ठीक है। इसको भी फटाफट कॉपी कर लो। कर लिए सर, कर लिए, कर लिए, जिन्होंने नहीं किया वो क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जिन्होंने नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर डन, डन हटा रहा हूं सर, हो गया, ओके। अब आपके न्यूक्लियस के बारे में मैं एक चीज और बता देता हूं। अच्छा एटम का रेडियस कितना होता है, आपको किसी को पता है एटम का रेडियस कितना होता है सर, मतलब कुछ बहुत ज्यादा होता है न्यूक्लियस का रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10^-10 मीटर है ना। अलग अलग एटम का ऑब्वियसली अलग अलग होगा बट इसी ऑर्डर का होता है, 10^-10 मीटर के ऑर्डर का एटॉमिक रेडियस होता है जनरली। वहीं अगर मैं न्यूक्लियस के बारे में बात करूं तो किसी का आइडिया है न्यूक्लियस का रेडियस कितना हो सकता है। हेलो सर, हाँ बेटा, यू कैन प्लीज टर्न टू द प्रीवियस पेज, आई वाज डिस्कनेक्टेड। मैं कह रहा हूं एटम का रेडियस जो है, नो सर यू कैन टर्न द प्रीवियस पेज। बेटा प्रीवियस पेज का आप प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए एक बार, ठीक है। यस सर, और प्लीज फिर वीडियो देख लीजिएगा तो डिस्कनेक्ट हो गया। यस सर डन, यस सर डन, ओके, थैंक यू सर, ओके बेटा।
क्या कह रहा था, एटॉमिक रेडियस जो है अप्रोक्सीमेटली 10^-10 मीटर होता है, और न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है अप्रोक्सीमेटली, कोई बताएगा मुझे? सर उससे छोटा होता है। छोटा तो होता है, बट कितना छोटा होता मालूम है? 10^-15 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, आपको लगा ठीक है थोड़ा सा तो फर्क है, बट थोड़ा सा फर्क नहीं है। 10^5 टाइम्स स्मॉलर इन रेडियस है ना, 10^5 टाइम स्मॉलर इन रेडियस है, मतलब सिर्फ रेडियस में 100,000 टाइम स्मॉलर है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10^15 टाइम्स स्मॉलर इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है ना बेटा। आया ना? यस सर। तो मतलब, और हमें ये भी मालूम है कि सारा का सारा जो मास है एटम का, लगभग सारा का सारा मास न्यूक्लियस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास तो बहुत ही कम मास होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो लगभग सारा मास न्यूक्लियस के अंदर ही है। तो अब आप मुझे बताइए, इतना सारा मास न्यूक्लियस के अंदर ठूस ठूस के भर दिया, अंदाजा लगा सकते उसकी डेंसिटी कितनी होगी? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट डेंसिटी जो है अप्रोक्सीमेटली, मुझे ठीक से याद नहीं बेटा, 3×10^17 केजी पर मीटर क्यूब या 10^18 केजी पर मीटर क्यूब के आसपास होता है, मुझे ठीक से याद नहीं है। ठीक है, और मैं चेक ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक न्यूक्लियस के अंदर आपका जो मास है वो इतना ठूस ठूस के भरा है, इतना ज्यादा ठूस ठूस के भरा है, इतना टाइटली पैक्ड है कि उससे ज्यादा टाइट पैकिंग पॉसिबल ही नहीं है। सारे के सारे न्यूक्लियस मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी पर होते हैं, इससे ज्यादा डेंसिटी मास की कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, मतलब हर एक न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है, सेम है ना, समझ में आई बात? तो अगर मैं दो न्यूक्लियस को कंसीडर करूं, न्यूक्लियस वन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो रो वन इज इक्वल टू रो टू बोल दिया मैंने। दिस इंप्लाइज मास अपॉन वॉल्यूम वन, एम वन अपॉन वी वन इज इक्वल टू एम टू अपॉन वी टू, है ना। दिस इंप्लाइज मास इज अप्रोक्सीमेटली, मास इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ए वन बाय वी वन इज इक्वल टू ए टू बाय वी टू। This implies A1 by A2 is equal to V1 by V2. This implies A1 by A2 is equal to R1 cube upon R2 cube. तो अगर आपको किसी एक न्यूक्लियस का रेडियस पता है तो आप बाकी सभी न्यूक्लियस का रेडियस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बस आपको उस न्यूक्लियस का मास नंबर पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, यस सर, समझ गया। समझ आएगा? तो रेडियस निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि सबकी डेंसिटी सेम होती, सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो ये भी आपके सिलेबस में नहीं, मैं अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ सर, ले लीजिए। या कॉपी कर सकते हो तो कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कर ली हटा रहा हूँ फिर। ओके, तो हमने देखा कि हम न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ये भी देखा न्यूक्लियस में पैकिंग बहुत ज्यादा टाइट होती है, न्यूक्लियस के अंदर मास बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है। इनफैक्ट न्यूक्लियस के साइज को और एटम के साइज को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हो कि अगर एटम आपके फुटबॉल के फील्ड के बराबर है, अगर एटम का साइज फुटबॉल के फील्ड के बराबर है
तो न्यूक्लियस का साइज पता है कितना है? फुटबॉल के बराबर नहीं है। उस फुटबॉल फील्ड में के सेंटर पे रखे हुए गोल्फ बॉल के बराबर है, या शायद मार्बल के बराबर, कंचे के बराबर। समझ में आई बात? इतना छोटा होता है न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू क्या, इन कंपैरिजन टू क्या, एटम। और उसी छोटे से न्यूक्लियस में हम सारा का सारा, हम सारा का सारा मास ठूस ठूस के भर देते हैं, जिसमें प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है बेटा? सर, अब आते हैं वापस से उस बात पे जहाँ पे हमारा। हाँ बेटा बोलो। सर जब न्यूक्लियस इतना छोटा है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करके कैसे पोजीशन में रखता है? बेटा न्यूक्लियस छोटा है पर उसके पास चार्ज तो बड़ा है ना, तो चार्ज की वजह से अट्रैक्ट कर रहा है ना, साइज की वजह से थोड़ा ना अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके सर। अब आते हैं वापस उसी सवाल पे कि सर मास का क्या हुआ, सर मास गायब कैसे हुआ? ये सब तो सर ठीक है, नॉर्मल है, सबको समझ में आ रहा है, सारा लफड़ा तो हो रहा है कि मास कहाँ गया सर। तो देखो, हमने हमारा सारा कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कभी ना कभी पढ़ा होगा, शायद तक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। ये पूरी दुनिया मानती थी कि मास इज कंजर्व्ड, बट इसको आके आइंस्टीन ने इस लॉ की धज्जियां उड़ा दी। आइंस्टीन ने कहा नहीं, इसने क्या कहा, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये कहता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पर आइंस्टीन अंकल ने कहा, आइंस्टीन अंकल ने कहा कि मास इज नथिंग बट ट्रैप्ड एनर्जी, मास इज नथिंग बट ट्रैप्ड एनर्जी। मास कुछ नहीं है, एक डब्बे बंद एनर्जी को मास कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनफैक्ट आपने कहा कि कितनी एनर्जी है, एक मास कितनी एनर्जी के बराबर है, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बेटा अर्चना प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, अर्चना पाल। हाँ सॉरी। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आपका, आइंस्टीन ने फॉर्मूला बताया, रिलेशन बताया एनर्जी और मास के बीच में। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब क्या है, मास इज नथिंग बट ट्रैप्ड एनर्जी, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बोला कि अगर आपके पास एक किलो मास है, वन केजी मास जो है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c स्क्वायर, मतलब मास की जगह वन डाल दो, c क्या है, लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू 3 इनटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। उसका स्क्वायर कितना हो गया, 9 इनटू 10 टू पावर 16 जूल्स एनर्जी। सिर्फ एक किलो मास इतनी सारी एनर्जी के बराबर है, ये हमारे आइंस्टीन अंकल ने हमें बताया। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। और इसी बात को अगर हम एएमयू में कन्वर्ट कर लें तो 1 एएमयू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, दैट इज इक्वल टू एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन तब गेन करेगा अगर उसे हम वन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट कर दें, दैट इज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ये आपके एनर्जी की एक और यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसके बराबर होती है।
आप देखोगे तो सर बहुत छोटी एनर्जी है, हाँ हमारे लेवल में बहुत छोटी एनर्जी है, बट इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे या एटम्स के लेवल पे यही एनर्जी, एनर्जी के लिए यही यूनिट सबसे अच्छी होती है। ठीक है, हेलो आवाज आ रही है? ये कुछ फैक्ट्स है जो मैंने आपको बता दिया। अब आइंस्टीन ने कहा कि अच्छा आइंस्टीन ने क्या कहा कि देखो दुनिया में कोई भी चीज नहीं चाहती कि उसके पास एनर्जी ज्यादा हो। ये आइंस्टीन ने नहीं कहा, ये सबको पता है, ये मतलब पहले से एस्टैब्लिश फैक्ट था। आइंस्टीन ने नहीं कहा, ये पहले सबको पता है, सबको पता था, सारे साइंटिस्ट को पता था, सबको पता था कि दुनिया में कोई भी चीज नहीं चाहती कि उसके पास ज्यादा एनर्जी हो। एनर्जी का मतलब होता है दुख, खास तौर से पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? दुख दर्द। बताया था मैंने, शायद जो लोग नाइन्थ में थे उनको मैंने बताया होगा, शायद ये नहीं बताया तो भी चुन लो। एनर्जी या खास तौर से पोटेंशियल एनर्जी इज ए मेजर ऑफ दुख दर्द। कोई सिस्टम कितना दुखी है ये मेजर करने का तरीका है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, हर सिस्टम चाहता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो, इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ आने की कोशिश करता है, क्योंकि ज्यादा हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, कम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। अपने आप ही चीजें हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करना चाहती है। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट है? यस सर। अब आइंस्टीन ने कहा कि देखो क्या होता है, हमारे पास खूब सारे प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी थे खूब सारे, न्यूट्रॉन, कुछ और प्रोटॉन्स थे, कुछ और न्यूट्रॉन भी थे। मैंने 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन बना दिए, जो एक दूसरे से दूर दूर रखें, इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पर रखें मान लो, क्योंकि इनफाइनाइट साइज का तो मेरा पेपर नहीं, तो इनफाइनाइट साइज का तो मैं बना नहीं सकता, बट मान लो ये सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बहुत दूर 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 रखे हुए। हम लोगों ने क्या किया, इनको लेकर एक डब्बे में बंद कर दिया जिसका नाम क्या था, कार्बन 12 का न्यूक्लियस। ठीक है, कार्बन 12 न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन बंद हो गए। अब ऐसा करने पे ये इस फॉर्म में क्यों स्टेबल है पता है, इस फॉर्म में क्यों पड़ा हुआ है मालूम है? क्योंकि इस फॉर्म में इसके पास एनर्जी कम है, अगर एनर्जी ज्यादा होती तो वापस इस फॉर्म में आ जाता। हाँ या ना? Yes, sir. ये इस फॉर्म में पड़ा हुआ है क्योंकि इसके पास एनर्जी कम है। तो एनर्जी कम कैसे हुई, तो एनर्जी कम इसलिए हुई क्योंकि इसने कुछ एनर्जी रिलीज करी, कुछ एनर्जी इसने बाहर रिलीज कर दी, प्लस सम एनर्जी। ठीक है, समझ में आई बात? और एनर्जी कैसे रिलीज हुई है, तो एनर्जी आई कहां से रिलीज करने के लिए, तो ये एनर्जी आई है बाय लूजिंग सम मास। समझ में आई बात? यस। इसलिए कार्बन 12 का मास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन के मास से कम होता है। सर क्या लिखे, बाय लूजिंग सम मास? हाँ, बेसिकली मास एनर्जी का फॉर्म है ना, तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके लूज कर दिया। अब ये कार्बन 12 खुश है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी रिलीज कर दी इसने, इसके पास एनर्जी कम है इसलिए ये खुश है, इसलिए अभी वापस इस फॉर्म से इस फॉर्म तक नहीं जाएगा। ठीक है, इस एनर्जी को हम कहते हैं क्या, इस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कॉपी कर लो सर। बोलो सर, तो फिर मास एनर्जी है, यही तो लिखा, यहाँ क्या लिखा, मास इज नथिंग बट ट्रैप्ड एनर्जी बोला ना, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मैंने बोला तो पहले हम लोग ये मानते थे, फिर आइंस्टीन ने बताया नहीं मास इंडिविजुअली नहीं है कंजर्व्ड, मास और एनर्जी मिला के कंजर्व्ड है सर। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो है, वो भी तो वही तो कह रहा है ना, तो मास कंजर्व्ड है ना एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए मास प्लस एनर्जी मिला के कंजर्व, यही तो बोला मैंने सर। सब सब आगे क्लास में जा जाके सब लॉ क्यों हो जाता अलग, मतलब सब बेटा समझो बात को, 99.99% केसेस में तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से काम चल जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? सिर्फ जब न्यूक्लियस के बारे में बात चर्चा होगी तभी आपको इस लॉ पे आना पड़ेगा कि नहीं मास एनर्जी का फॉर्म है। तो जबरदस्ती शुरुआत से आपको बचपन से क्यों आपको परेशान किया जाए? इसलिए आपको बोलते हैं भैया मास कंजर्व होता है, करो सारे क्वेश्चंस कर लो, सब कुछ सॉल्व कर लो। हाँ बाद में देखेंगे कब, अगर जब न्यूक्लियस के बारे में बात करोगे तब थोड़ा दिमाग लगा लेना कि मास कंजर्व वहां पर नहीं होता, ठीक है, कुछ इस तरीके का। नहीं तो आपको आप केमिस्ट्री के छोटे से क्वेश्चन में अगर आप वो करने लग जाओगे सर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो क्या करेंगे, मतलब क्या क्या करते रहोगे फिर क्वेश्चन में, समझ में आई बात? यस सर। आगे बढ़े? हाँ सर। ओके अब बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी, मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा था राइट, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी की दो तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं। डेफिनेशन नंबर वन, एक तो ये है कि एनर्जी रिलीज when all constituent particles, that is neutron and proton of a nucleus are brought together from infinite separations to form a nucleus. जब nucleus को बनाने के लिए आप उसके constituent particles को infinite separation से पास पास में लेकर आए और एक nucleus बनाया आपने, उस process में जो energy release हुई उसको क्या बोलते हैं? Binding energy, ठीक है। तो इसी के एक रिवर्स डेफिनेशन है, ध्यान दो, जब न्यूक्लियस के पार्टिकल्स इनफाइनाइट सेपरेशंस पे थे, है ना, जब न्यूक्लियस के पार्टिकल इनफाइनाइट सेपरेशंस पे थे तो उनको पास में लाने पर कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, है ना। अब अगर आपको न्यूक्लियस को दोबारा तोड़ना है, वो पार्टिकल्स बना के इनफाइनाइट सेपरेशन पे लेके जाने हैं, तो आपको वो एनर्जी वापस लाके देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? आया ना? तो बाइंडिंग एनर्जी की दूसरी डेफिनेशन रिवर्स प्रोसेस से हो गई, क्या? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड taking them to infinite separations, ठीक है, समझ में आई बात? दोनों डेफिनेशन सेम है कि अलग अलग है? सर वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा है ना, सेम ही है, ठीक है सर। वर्ड उलट क्या रिकंस्ट्रक्ट किया सर, सेंटेंस को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है
हाँ बस चलो कॉपी कर लो। हो गया सर। इनफिनिटी सेपरेशंस मतलब क्या सर? सेकंड डेफिनेशन में है ना सर, लास्ट वर्ड इनफिनिटी सेपरेशंस। देखो मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन, ये 8 नहीं है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है ना, बहुत बड़ा ज्यादा डिस्टेंस होते हैं। कुछ सारे के सारे न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, वो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंसेस तक लेके गए। ठीक है, समझ में आई बात? इनफाइनाइट सेपरेशंस मतलब एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन तक लेके गए। सर उसमें तो एनर्जी अब्सॉर्ब भी लिख सकते हैं। एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ना, आपको ये काम करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना, आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो न्यूक्लियस ये काम करने के लिए कितनी एनर्जी मांग रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। अब मुझे एक बात बताओ इस डेफिनेशन से, कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है या जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है? सर आई थिंक वन वन जिसका ज्यादा है। स्टेबल का मतलब समझते हो? स्टेबल का मतलब समझते हो? ज्यादा है। अच्छा, स्टेबल का मतलब समझते हो, जिसको तोड़ना मुश्किल हो, है ना, जिसको रिएक्शन कराना मुश्किल हो, राइट, उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल कहते हैं। ये तो केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, स्टेबल टर्म्स अनिल सर ने बहुत ज्यादा यूज किया होगा, स्टेबल अनस्टेबल, आया ना? यस सर। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए मुझे बताइए कि कौन से न्यूक्लियस को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा, या कौन से न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है या जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, बताइए तो। ज्यादा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, यही कहना चाहते हो आप? Yes, अच्छा, आपको पता है इंडिया की जीडीपी, एक सेकंड, आपको पता है इंडिया की जो जीडीपी है वो वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे है, आपको पता है? आपको मालूम है बात? यस सर। यस, तो आप मुझे बताइए, अगर इंडिया वर्ल्ड में फोर्थ रैंक पर है जीडीपी में, तो क्या इंडिया दुनिया का सबसे रिच कंट्री है, मतलब चौथे नंबर पर सबसे रिच कंट्री है, बहुत अमीर है हम लोग? सर हाँ नहीं, नहीं ना, नो सर। सर पॉपुलेशन ज्यादा, हाँ क्या बोले, हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो जीडीपी इज नॉट द थिंग जिसका यूज करके आप बोल सकते हो कि कौन सी कंट्री रिच है और कौन सी कंट्री पुअर है। कौन सी कंट्री रिच है और कौन सी कंट्री पुअर है, इसकी डेफिनेशन कहां से आएगी? पर कैपिटा इनकम, इनकम से, हाँ या ना? पर कैपिटा इनकम में हम लोग काफी डाउन है, काफी डाउन है। यस सर, ये हम दुनिया के सर जस्ट एवरेज से ऊपर। हाँ सर, 1500 कुछ समथिंग यूएस डॉलर। ठीक 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 ठीक, वो सब छोड़ो, ये मैं सोशल स्टडी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बोल आगे ठीक है। वैसे ही न्यूक्लियस कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, ये बाइंडिंग एनर्जी डिसाइड नहीं करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कौन डिसाइड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन मतलब समझते हो? न्यूक्लियॉन का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो कौन सा बेसिकली, अगर इसको लिखने का सिंपल तरीका, मैथमेटिकल तरीका क्या है, इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर वन इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर टू, देन न्यूक्लियस वन इज मोर स्टेबल देन न्यूक्लियस टू। समझ में आई बात? यस सर। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या डिसाइड, कौन डिसाइड करता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ए का मतलब, ए का मतलब मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, एक ही बात होगी ना? यस सर।
हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके। सो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से मिल रही है। इसको भी कॉपी कर लो पूरा या फिर प्रिंट स्क्रीन ले लो। सर पता नहीं क्यों वीडियो ब्लर आ रहा है। बेटा इसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन डाउन है। आज नहीं सर सही आ रहा है। हाँ भाई मुझे मालूम है। जैसे नीचे नेटवर्क पे रेड येलो व्हाइट वाले साइन दिखा आज नेटवर्क बहुत ज्यादा डिस्टर्बड है खास तौर से एयरटेल का। मतलब मेरे घर में जो एयरटेल के नंबर से उसमें सवेरे से व्हाट्सएप तक नहीं खुल पाया। सर जियो से ज्यादा खराब। अच्छा जियो भी खराब है। ओके मेरे पास जियो नहीं है सर इसलिए शायद थोड़ा सा लेट हो गया ना। क्या सर इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। चलो कॉपी हो गया। यस सर। यस सर। जिसका नहीं हुआ है वो बता दिया करो कि सर नहीं हुआ है। ठीक है जिनका हो गया वो तो बोल ही देंगे यस सर और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है ना कि मैं अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखकर बता सकता हूँ कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल है ना। तो मैंने काम किया हमारे पास जितने भी एटम्स हैं जितने भी न्यूक्लियस हैं उन सब के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन का ग्राफ बनाया। ठीक है तो मुझे क्या मिला देखिए एग्जैक्ट परफेक्ट कर्व तो मिलेगा नहीं बट आपको रफली बता दे रहा हूँ क्या मिलता है। शुरुआत में थोड़ा जिगजैग होगा इसमें मैं जिगजैग वगैरह हटा दे रहा हूँ। जो शेप आता है वो लगभग लगभग कुछ ऐसा आता है। रफ होता है इतना स्मूथ नहीं होता बट कुछ ऐसा शेप आता है। क्या देखा हम लोगों ने इस ग्राफ से कि जो मिडिल साइज के जो न्यूक्लियस हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं छोटे न्यूक्लियस अनस्टेबल हैं बड़े न्यूक्लियस अनस्टेबल हैं। ठीक है ये क्यों होता है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा उसके लिए आप बहुत छोटे बच्चे हो। ठीक है उसके लिए आपको कम से कम पहले एटम का स्ट्रक्चर समझ लो तब तो आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताया जाए। अभी तक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपको आधा ही पता है पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आप क्लास 11th पढ़ते हो। तो मैंने अभी तक जो बता दिया वही क्लास 12th का इस चैप्टर का आधा पार्ट है आधा टॉपिक बता चुका हूं मैं। तो ये बताओ ये ग्राफ देख के हमें क्या समझ में आ रहा है। हमें समझ में आ रहा है कि सर जो छोटे न्यूक्लियस हैं मतलब हाइड्रोजन हीलियम ये सब इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है मतलब वो अनस्टेबल है। बीच वाले जो हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है इसलिए ये स्टेबल है। बड़े वाले न्यूक्लियस भी थोड़े अनस्टेबल है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ जब कोई कंपाउंड अनस्टेबल स्टेज से स्टेबल स्टेज तक जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है या अब्सॉर्ब करता है? रिलीज करता है। है ना क्योंकि स्टेबल का मतलब एनर्जी कम है उसके पास मतलब एक्सेस एनर्जी उसने रिलीज करती है राइट यही होता है ना। यस सर। तो अब अगर मेरे को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है मुझे पता क्या करना है या तो अगर मुझे एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस तो मुझे क्या करना है या तो बड़े न्यूक्लियस को तोड़ के दो छोटे न्यूक्लियस बना देने हैं जिससे कि अनस्टेबल से स्टेबल जगह पे पहुंच जाए एनर्जी रिलीज हो जाएगी। हाँ या ना? सर। या मेरे को छोटे दो छोटे न्यूक्लियस जोड़ के बड़ा न्यूक्लियस बना देना है फिर से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। हाँ या ना? सर। बस बड़े न्यूक्लियस को तोड़ के दो छोटे दो मिड साइज न्यूक्लियस बनाने को क्या बोलते हैं फिशन कहते हैं। यहां से इधर आने को क्या बोलते हैं फिशन और छोटे न्यूक्लियस जोड़ के मिड साइज न्यूक्लियस बनाने को क्या बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं। समझ में आई बात? यस सर। इतना सारा कुछ करके फिर यहाँ पे पहुंचे। हाँ अब जब यहाँ तक पहुंचे तो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस कौन है ये तो दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि नहीं आ रहा है। यस सर।
सबसे स्टेबल न्यूक्लियस होता है अपना Fe56, आयरन होता है, लोहा, उसमें भी कौन सा वाला, 56 इंच वाला, ठीक है, मतलब इसका सिंबल क्या होगा, Fe5626, ये सबसे स्टेबल होता है। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। सबसे स्टेबल न्यूक्लियस क्या होना है, आयरन, 56 इंच का सीना जो है सबसे स्टेबल है। ओके, अब मैं आयरन के बारे में बात करूं, याद, ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए सब बोल रहे हैं। शरीर में 56 इंच का सीना थोड़ा ना होता है लोहे का, समझ गया ना बात कि नहीं समझ में आया? फ्यूजन लिखे और क्या लिखे? क्या सर? फ्यूजन और क्या लिखे? फिशन, FISSION, फिशन, फिशन, FISSION, ठीक है? ओके सर। ओके, अब समझ में आ रहा है ना कि हाँ एनर्जी कैसे रिलीज हो जाती है अपने आप? यस सर। ओके, तो इसको फटाफट से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। कर लिए सर। नहीं किया हो अभी तक तो प्रिंट स्क्रीन ले लो, और जो सीटी मार रहा है उसको चप्पल मारूंगा मैं। आगे बढ़ूं? यस सर, बढ़ ही रहा हूं। अब देखो, न्यूक्लियर फिशन में होता क्या है, न्यूक्लियर फिशन बेसिकली हम लोग क्या होता है ना, बेसिकली हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ यूरेनियम का है, तो हम सिर्फ यूरेनियम के ही बारे में बात करेंगे। यूरेनियम जो है उसके दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं। कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं? दो। तो एक होता है यूरेनियम 238 और एक होता है यूरेनियम 235। यूरेनियम 238 जो है ये होता है 99.3% यूरेनियम इसी फॉर्म में रहता है, ठीक है, और 235 के फॉर्म में कितने रहता है, 0.7% यूरेनियम इस फॉर्म में रहता है। हमारे काम का क्या होगा, ऑब्वियसली ये वाला होगा, है ना, क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो हमेशा कम मिलती दुनिया में, ये हमारे काम का है, इसी का यूज करके हम लोग न्यूक्लियर फिशन कराते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं ना, यूरेनियम 235 जो है ये भी स्टेबल है, यूरेनियम 238 भी स्टेबल है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड यूरेनियम 236, इट इज नॉट फाउंड इन नेचर, इट इज नॉट फाउंड इन नेचर एंड देयरफॉर वेरी, क्यों नहीं होता, बिकॉज इट इज वेरी अनस्टेबल, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए नेचर में नहीं पाया जाता है। अनस्टेबल का मतलब क्या है, इट अंडरगोज स्पॉन्टेनियस फिशन, मतलब अपने आप ही फिशन हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। अगर यूरेनियम 236 है अपने आप टूट जाएगा, और कितनी देर में टूट जाएगा, विद इन सेकंड्स टूट जाएगा, सेकंड्स क्या, माइक्रो सेकंड्स में टूट जाएगा, मतलब रह ही नहीं सकता इस फॉर्म में यूरेनियम, ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोगों को जब फिशन कराना था तो हमने क्या किया, यूरेनियम 235 लिया, उसको यूरेनियम 236 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, यूरेनियम 235 जो है, 235 उसका एटॉमिक नंबर होता है 92, इसमें हमने एक छोटा सा न्यूट्रॉन इसके ऊपर मारा, ठीक है, कुछ इतना छोटा मारा कि ये न्यूट्रॉन जो है इस यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर घुस गया, तो इससे क्या बन गया, यूरेनियम 236 बन गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर? जब यूरेनियम 236 बना तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ये अपने आप ही टूट गया इन टू पार्ट्स, अलग अलग तरीके से टूट सकता है, जो सबसे ज्यादा होता है वो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख के दे दे रहा हूँ। एक है बेरिलियम, बेरियम बनेगा, बेरियम बनेगा 144-56 सर, बेरियम क्रिप्टन एंड सम न्यूट्रॉन प्लस क्रिप्टन, क्रिप्टन बनेगा क्या होगा इसका 89-36 प्लस, अगर आप देखोगे आपका प्रोटॉन तो यहाँ 92 था, यहाँ 92 था, यहाँ भी 56 प्लस 36 कितना हो गया, 92 हो गया,
पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स देखिए यहाँ पे 144 प्लस 89 करोगे तो कितना हो गया 233 आ रहा है, मतलब तीन न्यूट्रॉन्स कम है, तो साथ में तीन न्यूट्रॉन्स भी मिल गए। ठीक है ओके सर, और साथ में हमें एनर्जी भी मिल गई। ये होता है हमारा न्यूक्लियर फिशन। ठीक है बेटा, और क्योंकि ये जो तीन न्यूट्रॉन मिले हमें, इन तीन न्यूट्रॉन, ये तीन न्यूट्रॉन जाके अगले तीन न्यूट्रॉन, तीन यूरेनियम को मारेंगे, है ना? यस सर। तो क्या हो जाएगा, पहले एक यूरेनियम फटा, उससे तीन न्यूट्रॉन मिले, तो तीन यूरेनियम फटे, उन तीन से कितने निकलेंगे, नौ, तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, फिर निकलेंगे तीन तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, फिर तीन निकलेंगे तो कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा, और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, बूम, और हिरोशिमा नागासाकी जैसे सिटीज उड़ जाएंगे। समझ में आई बात सर? तो ये सीरीज टाइप का होगा ना? क्या सर ये सीरीज की तरह चलेगा ना? हाँ, इसको कहते हैं चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं सर? ये कितना अमाउंट में चाहिए बेटा? अब देखो वो सब न्यूक्लियर बम थोड़े ना बनाना है अपन को, लेकिन उनको समझना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो एक काम करिए, यहाँ तक तो कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इस क्लास को ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अगली क्लास का टाइम हो चुका है। और मैं सर बोला जाता है कि बहुत कम यूरेनियम लगता है। हाँ, मतलब बहुत ही कम यूरेनियम में अपना वो काम हो जाता है। 0.875 ग्राम में पूरा हिरोशिमा नागासाकी उड़ गया है। एक क्लास के अंदर हम लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी को उड़ा दिया है ना। चलो इसको फटाफट कॉपी कर लो, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है सर? डन डन। ओके, फिर क्लास ओवर है अपनी। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का फ्यूजन पढ़ेंगे। फिशन में भी बाकी है बेटा, फिशन में भी बाकी है। ये तो हम लोगों ने बम बनाया, अब इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे ये भी तो पढ़ना है। यस सर। चलो अभी के लिए क्लास ओवर है। ठीक है बेटा, बहुत लेट हो रहा है, अगली क्लास। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। बाय बेटा।